मैं रश्मि नायक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल। आपका दिन शुभ हो। जीव विज्ञान कक्षा 12वीं की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान आनुवंशिकी एवं विकास इकाई के अंतर्गत डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आनुवांशिकी एवं विकास इकाई के अंतर्गत आज हम डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये है सेल और इस सेल के अंदर ये है क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम एक सर्पला का रचना से बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। ये डीएनए हमारे शरीर का एक वंडर मॉलिक्यूल है। वंडर मॉलिक्यूल क्यों है? ये इसलिए है कि जिस तरह से हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारी बिल्डिंग की सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है, मैप में रहती है। उसी तरह हमारी जो शरीर है उसकी रचना, उसके अंदर की क्रियाविधि, सारी इंफॉर्मेशन किसमें रहती है, डीएनए के अंदर रहती है। तो है ना ये वंडर मॉलिक्यूल। आइए आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यदि हम डीएनए की खोज के बारे में बात करें तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने मवाद कोशिकाओं से एक सत निकाला और उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिन एसिड। बाद में आल्टमैन ने इसमें से प्रोटीन को अलग कर दिया और अम्लीय प्रकृति के कारण इसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए और दूसरा डीएनए। बच्चों, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यदि हम डीएनए की परिभाषा देखें तो डीएनए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों से बने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुलक या पॉलीमर क्या होते हैं। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह की हमारे घर की जो दीवार होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ईंट से। तो वहां पे ईंट क्या है, ये मोनोमर है और दीवार क्या है, बहुलक। उसी तरह से डीएनए में न्यूक्लियोटाइड एक क्या है, ईंट की तरह है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डीएनए। डीएनए की यदि संरचना देखें और डीएनए का जलीय अपघटन करें तो डीएनए विभिन्न घटकों में टूट जाता है। सबसे पहले किस में टूटता है, न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल में, और बाद में न्यूक्लियोसाइड शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में टूट जाता है। आगे जाकर अभी हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पर विस्तृत चर्चा करेंगे। डीएनए का रासायनिक संगठन देखें तो डीएनए तीन अवयव से मिलकर बना होता है। नंबर एक नाइट्रोजनी क्षार, नंबर दो शर्करा पेंटोज शुगर और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षार, ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। प्यूरीन में दो बेंजीन रिंग होती हैं, ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बेंजीन रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन पाया जाता है। यह प्यूरीन दो प्रकार के क्षार होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन में एक बेंजीन रिंग होती है हेट्रोसाइक्लिक, इसमें भी एक नाइट्रोजन रहता है, इस कारण ये भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। ये दो प्रकार के क्षार होते हैं, इसमें साइटोसिन और थाइमिन। एक और क्षार होता है, उसका नाम यूरेसिल है, लेकिन हम यहाँ किसका अध्ययन कर रहे हैं, डीएनए का, तो वह यूरेसिल यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, ये जो प्यूरिन है, जैसे कि नाम से देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इसकी संरचना कैसी है, बड़ी है। तो आप इसको याद रखिए कि प्यूरिन की नाम छोटा है लेकिन संरचना क्या है, बड़ी, और पिरिमिडीन में नाम बड़ा है और इसकी संरचना क्या है, छोटी। तो इससे आप याद रख पाएंगे। और ए और जी को याद रखिए ट्रिक से, अग। और पिरिमिडीन में कितने क्षार बताए मैंने, तीन, एक साइटोसिन, एक थाइमिन और एक यूरेसिल।
इसको हम याद रख सकते हैं कट से, चूंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम यूरेसिल नहीं लिख रहे हैं। इसमें जो शुगर होती है वह है पेंटोज शुगर, इसमें 5 कार्बन होते हैं और तीसरा अवयव है फास्फोरिक अम्ल। पेंटोज राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर में थोड़ा सा अंतर होता है। जो राइबो शुगर होती है उसमें दूसरे कार्बन से जब एक ऑक्सीजन निकल जाती है तो राइबो शुगर डीऑक्सी राइबो शुगर में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से कार्बन पर ऑक्सीजन निकलती है, दूसरे कार्बन पर। ऑक्सीजन निकलने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया, डीऑक्सी। डी मतलब एब्सेंट हो गया उसमें क्या, ऑक्सीजन। अब चर्चा करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पर। न्यूक्लियोसाइड शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं, और जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से बने होते हैं। यदि हम डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड को हम बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये 4 प्रकार के होते हैं। यदि इसमें क्षार एडिनिन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीएडिनिलिक अम्ल। यदि इसमें क्षार ग्वानिन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीग्वानिडिलिक अम्ल, और यदि इसमें साइटोसिन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीसाइटिडिलिक अम्ल, और यदि इसमें थाइमिन रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीथाइमिडिलिक अम्ल। इस तरह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों यदि नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा दोनों साथ में रहते हैं तो नाम क्या रहता है, न्यूक्लियोसाइड, और यदि उसमें फास्फेट जुड़ जाए तो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। आप इसे ट्रिक से याद रखिए, जब फास्फेट साइड में हो गया तो नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। शर्करा नाइट्रोजनी क्षार, इसमें फास्फेट कहाँ हो गया, साइड में, और न्यूक्लियोटाइड में क्या था, शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार, और उसके साथ क्या टाई हो गया, फास्फोरिक अम्ल क्या हो गया, टाई हो गया, तो उसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा। न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं क्षार के आधार पर। यदि एडिनिन है तो नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन, और यदि ग्वानिन है तो नाम होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन, यदि साइटोसिन है तो नाम होगा डीऑक्सी साइटिडीन, और यदि थाइमिन है तो नाम होगा डीऑक्सी थाइमिडीन। इस तरह क्षार के आधार पर हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के प्रकार जान सकते हैं। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं और फास्फोरिक अम्ल कहाँ हो जाता है, साइड में, दैट मीन्स न्यूक्लियोसाइड, और यदि शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल क्या हो जाता है, टाई, टाई मतलब जुड़ गया, तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक डीएनए की संरचना करते हैं। तो बच्चों इसे बहुत ध्यान से देखिए, ये है पेंटोज शुगर, इसमें ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। इसमें पहले कार्बन से एक क्षार जुड़ गया है, एथाइमीन, और इसके 5वें कार्बन से क्या जुड़ा है, फास्फोरिक अम्ल। तो ये जो 5वें कार्बन और फास्फोरिक अम्ल के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को कहेंगे एस्टर बॉन्ड। इसी तरह से आप नीचे देख रहे हो कि नीचे वाली जो शुगर है उससे भी क्या जुड़ रहा है, फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल का यहाँ पर एक बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, तो ये दोनों बॉन्ड एक साथ क्या कहलाते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्यों कहलाते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये जो एस्टर बॉन्ड है ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, एक क्षार, फास्फोरिक अम्ल और शुगर। तो इस तरह से ये जुड़ते हुए चले जाएंगे और एक रचना बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली माने क्या होता है, बहुत सारे। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो जो रचना बनती है उस रचना को हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। बच्चों इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस
डीएनए में एक पोलरिटी पाई जाती है, मतलब इसमें एक शिरा कहलाता है 5 प्राइम एंड और दूसरा कहलाता है 3 प्राइम एंड। तो ये क्यों कहलाता है ये आप ध्यान से समझिए। आप देख रहे हो इस सुगर में ये जो पांचवें कार्बन का फास्फोरिक ग्रुप है, फास्फेट समूह है, ये आगे किसी से नहीं जुड़ रहा है, ये फ्री है। इसी तरह से आप इस सुगर में देख रहे हैं कि जो तीसरे कार्बन पे ये आगे जाके ये भी फास्फेट किसी से नहीं जुड़ रहा है। तो इसमें ये वाला ग्रुप, ये वाला कार्बन, तीसरा कार्बन और ऊपर कौन सा कार्बन, पांचवा कार्बन, ये क्या है, फ्री है। ये फ्री होने के कारण इस वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, 5 प्राइम एंड, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, 3 प्राइम एंड। अब इसी तरह से इस तरफ भी जुड़ेंगे। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इस तरफ सुगर क्या हो गई है, उल्टी। ऐसा क्यों हो गया उल्टी? इसलिए उल्टी हुई है ये कि इसमें ओ कहाँ था, ऊपर, और इसमें ओ कहाँ हो गया, नीचे। इसलिए हो गया है कि अगर इस तरफ क्षार थे, ये वाले जो नाइट्रोजन क्षार इस तरफ है और इसमें भी क्षार किस तरफ रहेंगे, इस तरफ रहेंगे, तो इन दोनों क्षारों के बीच में कैसे बॉन्ड बनेगा। इस कारण ये जो शुगर है पेंटोज शुगर, ये क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, इस तरफ हो जाती है, तो थाइमिन और एडिनिन के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। हमेशा याद रखिए थाइमिन और एडिनाइन के बीच में रहता है डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये 5 एंड है और यहाँ पर ये कौन सा एंड है, 3 एंड है। एक बार फिर से बता दूं कि ये 5 पॉइंट एंड और 3 पॉइंट एंड कैसे आया। आप देख रहे हो ये शुगर है, यहाँ पे ये क्षार है। इस शुगर के पहले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्षार जुड़ गया, और तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, फास्फोरिक अम्ल, और इसके पांचवें कार्बन से ऊपर भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये जो फास्फोरिक अम्ल का पांचवा कार्बन है ये कैसा है, फास्फोरिक अम्ल कैसा है, फ्री है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे वाली शुगर में कि यहाँ पर तीसरे नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी कैसा है, फ्री है। तो इस एंड को हम क्या बोलेंगे, 3 प्राइम एंड, और इस एंड को क्या बोलेंगे, 5 प्राइम एंड। तो बच्चों ये हमेशा याद रखिए, हम न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन से बॉन्ड बना है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। डाइस्टर नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये दोनों क्या है, एस्टर बॉन्ड है, और डाई क्यों है, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना बनाते हैं। डीएनए की आणविक संरचना, यह संरचना वॉटसन एवं क्रिक मॉडल के नाम से भी जानी जाती है। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। डीएनए की कुंडली संरचना का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एवं रासायनिक विश्लेषणों द्वारा विल्किंस एवं फ्रैंकलिन ने किया था। इसके पश्चात जेडी वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की अणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। वॉटसन एवं क्रिक साथ में विल्किंस, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम देखते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। वॉटसन एवं क्रिक मॉडल को समझने से पहले यदि हम अपने मस्तिष्क में एक स्पाइरल सीढ़ी, आपने देखा होगा घरों के बाहर लोहे की बनी सर्पलाकार सीढ़ियां लगी रहती हैं, यदि उसका कल्पना करेंगे तो वॉटसन एवं क्रिक मॉडल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि हम वॉटसन एवं क्रिक मॉडल देखते हैं तो इसमें आपको इस तरह से ये गहरी खांच दिखाई दे रही है और ये कम गहरी खांच दिखाई दे रही है। जो गहरी खांच होती है उसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, और जो हल्की खांच होती है उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उनको आप याद रखिए। ये जो दो कर्व दिख रहे हैं इनके बीच में कितने वेस पेयर होते हैं, 5। आपको इस चित्र में नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल चित्र है। यदि हम 3D देखें तो इसमें 5 बेस पेयर हैं। बेस पेयर मतलब ए और टी मिलकर एक बेस पेयर बनाएंगे। इस तरह से इसमें कितने बेस पेयर हैं,
पांच बेस पेयर हैं, और इसमें कितने हैं, पांच बेस पेयर हैं। तो दो लगातार माइनर ग्रुप या मेजर ग्रुप के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए। ये पिच ऑफ द डीएनए कितना है इसका, 34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से ये है वाटसन क्रिक का मॉडल। वाटसन क्रिक का मॉडल में इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो यही हैं कि इसमें एक मेजर ग्रुप ये है, और ये जो उथली हुई दिख रही है ये है माइनर ग्रुप। दो मेजर ग्रुप या दो माइनर ग्रुप के बीच की दूरी कहलाती है पिच ऑफ द डीएनए। ये कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और पिच ऑफ द डीएनए में जो टोटल बेस पेयर हैं वो कितने होते हैं, 10। और इसका डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर होता है। बच्चों याद रखिए, ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड रहता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल। डीएनए में दो प्रतिसमानांतर स्ट्रैंड होती हैं, एक स्ट्रैंड 5-3 और दूसरी 3-5 होती है। यह जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है, और ये दोनों श्रृंखलाएं एक काल्पनिक केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ राइट हैंडेड मतलब दाहिने हाथ की ओर स्पाइरल क्रम में घूमकर एक द्विकुंडली संरचना बना लेती है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डीएनए हेलिक्स में दो खांचें दिखाई दे रही हैं, जो गहरी है उसे मेजर ग्रुप कहते हैं और जो कम गहरी है उसे माइनर ग्रुप कहते हैं। और दो लगातार मेजर ग्रुप या दो लगातार माइनर ग्रुप के बीच की दूरी को हम पिच ऑफ द डीएनए कहते हैं। दोनों श्रृंखलाओं अर्थात 5-3 एवं 3-5 प्राइम के जो क्षारक हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक श्रृंखला में यदि ए है तो दूसरी में टी रहेगा, और यदि दूसरे में सी है तो दूसरे में रहेगा जी। अर्थात ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड रहता है और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन का। यदि हम डीएनए की हेलिकल रचना के एक टर्न को देखें तो एक टर्न की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न को ही हम बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए। डीएनए हेलिक्स के एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, अर्थात 10 बेस पेयर रहते हैं। इसमें एक जो बेस पेयर है वह एक प्रकार से, जो मैंने आपको बताया कि सर्पलाकार सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के एक स्टेप के समान होता है। अर्थात जो दो लगातार मेजर ग्रुप और या दो लगातार माइनर ग्रुप के बीच की दूरी है उसमें कितने बेस पेयर रहते हैं, 10 बेस पेयर या 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। और दो न्यूक्लियोटाइड या दो स्टेप्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए डबल हेलिक्स का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात यदि हम देखें तो उसका पूरा जो डायमीटर होता है डीएनए डबल हेलिक्स का वह 20 एंगस्ट्रॉम या 2.0 नैनोमीटर होता है। बच्चों आज हमने आनुवंशिक पदार्थ की खोज में पढ़ा कि इसकी खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी और इसे न्यूक्लियन नाम दिया। उसके पश्चात आल्टमैन ने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। यदि हम डीएनए की फरवासा देखते हैं तो डीएनए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस से मिलकर बना है। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, अर्थात जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा तो डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए की संरचना देखें तो डीएनए के जो मुख्य अवयव हैं वो तीन हैं, नाइट्रोजनी क्षार, 5 कार्बन शुगर और फास्फोरिक अम्ल। नाइट्रोजनी क्षार प्यूरीन और पिरिमिडीन है, प्यूरीन में एडीनाइन और गुआनिन और पिरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन होता है। यदि शुगर
और बेस जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, अर्थात इस समय फास्फोरिक अम्ल क्या हो गया, साइड में हो गया। और यदि फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता, अर्थात शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और शुगर और नाइट्रोजन ये क्षार न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। डीएनए की आणविक संरचना वॉटसन, क्रिक एवं विल्किंसन ने दी थी। यदि इसकी संरचना देखें तो इसमें क्या था, दोनों श्रृंखला एक दूसरे के कैसी थी, एंटी पैरेलल अर्थात प्रति समानांतर, एक 5' to 3' तो दूसरी 3' to 5' होती है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षारक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। डीएनए के ए टर्न की लंबाई अर्थात पिच ऑफ द डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि हम देखें डीएनए डबल हेलिक्स को तो इसमें नाइट्रोजनी क्षार अंदर की ओर और शर्करा बाहर की ओर फास्फोरिक अम्ल से जुड़ी रहती है, अर्थात शर्करा और फास्फोरिक अम्ल दोनों मिलकर डीएनए का बैकबोन बनाते हैं। बच्चों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर, इसके पश्चात डीएनए का रासायनिक संगठन, और यदि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखें तो डीएनए की आणविक मॉडल या वॉटसन क्रिक मॉडल का चित्र सहित वर्णन कीजिए। धन्यवाद।